रुक करते हैं प्रदेश की ओर। सबसे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड का परिणाम। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा दो कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस बार परीक्षा परिणाम 62.01% रहा है। साइंस वर्ग में जिला कुल्लू के अनिल ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 विद्यार्थी रहे हैं। आर्ट्स में टॉप 3 में 2 लड़कियां और 1 लड़के ने बाजी मारी है। कॉमर्स में नाहन की प्रीति ने पहला स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि इस बार कुल 95,492 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, जिनमें से 58,949 उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 16,102 परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जमा दो कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा परिणाम 62.01% रहा। साइंसबर्ग में जिला कुल्लू के अनिल ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 3 विद्यार्थी हैं। आर्ट्स में टॉप थ्री में 2 लड़कियों सहित 1 लड़के ने बाजी मारी है। कॉमर्स संकाय में नाहन की प्रीति बीर सांता ने पहला स्थान हासिल किया है। इस वर्ष कुल 95,492 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 58,949 उत्तीर्ण हुए, जबकि 16,102 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट घोषित की गई है। साइंस वर्ग में जिला कुल्लू के अनिल ने पहला स्थान हासिल किया है। 98.5% अंक हासिल करने वाला अनिल पुत्र देवराज साइंस स्टार स्कूल ढालपुर का विद्यार्थी है। वहीं दूसरे स्थान पर 98.2% अंक लेकर संयुक्त रूप से 3 विद्यार्थी हैं। इनमें लिटिल एंजल स्कूल मेहरे हमीरपुर की प्रकृति ठाकुर पुत्री प्रवीण कुमार ठाकुर, मिनर्वा पब्लिक स्कूल घुमारमी बिलासपुर की सानवी सांख्यान पुत्री विजय कुमार सांख्यान और SPNCC स्कूल कुनिहार जिला सोलन के जीवेश अवस्थी पुत्र दीपक कुमार अवस्थी शामिल हैं। साइंसबर्ग में तीसरे स्थान पर राव मापा गोपालपुर जिला मंडी की शुभांगिनी पुत्री संजय सिंह ने 98% अंक लेकर जगह बनाई है। आर्ट्स में टॉप 3 में 2 लड़कियों सहित 1 लड़के ने बाजी मारी है। टॉप 3 के सबसे ऊपर DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना की अश्मिता शर्मा 96.4%, दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरबियार हमीरपुर की साक्षी कपूर 96% और तीसरे नंबर पर BBN गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलो के कार्तिक के गहोल 95.8% अंक से बाजी मारी है। कॉमर्स संकाय में कैरियर अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन के प्रीति बीरसांता ने 98.8% अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है। आदर्श विद्या निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन जिला सिरमौर की इशिता अग्रवाल ने 98.4% अंक लेकर दूसरा स्थान, जबकि शिमला के राजकीय छात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहड़ू की छात्रा दीक्षु शर्मा ने 97.6% अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। ये 2019 में प्लस टू का जो एग्जाम परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, इसमें 62.10% ऐसा परीक्षा परिणाम रहा है। आज 22 तारीख है जिसमें हमने घोषित किया है, पिछले साल ये 24 तारीख को घोषित हुआ। CCTV कैमरा बहुत लाभदायक रहे हैं। पहली बात ये है कि नकल नहीं हुई, बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन हुआ। परिणाम आप जान सकते हैं कि इस कारण जो 2019 में जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है वो डाउन रहा है, 62% रहा है, और यदि पिछले वर्ष देखें तो 70% रहा है, 2016 में देखें तो शायद 78% रहा, तो इस वक्त ये डाउन रहा है। लेकिन एक मनोवृत्ति बनी है, विद्यार्थियों की बनी है, अध्यापकों की बनी है, प्रशासन की बनी है कि हमने नकल के जहर से बच्चों को बचाना है। तो मुझे लगता है ये बहुत कारगर होगा CCTV कैमरा, और साथ साथ जो अध्यापक स्वयं से तैयार होंगे कि हमने नकल को रोकना है, इसके लिए मैं आपको बता दें। अभी 95,492 इतने विद्यार्थी प्लस टू में बैठे थे, जिनमें से 58,949 पास हुए हैं जी, और 16,102 की कंपार्टमेंट है। जो फेल हुए हैं बच्चे वो 19,728 हैं। ये जो मेरिट्स आई हुई हैं, अगर मेरिट्स को हम तीनों स्ट्रीम्स में देखें, आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में, तो इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स की मेरिट ज़्यादा आई हैं,
31 विद्यार्थी गवर्नमेंट स्कूल से जो मेरिट में आए हुए हैं, जो पहले 10 मेरिट होती हैं और 27 जो एफिलेटेड दूसरे प्राइवेट स्कूल से आए। प्रदेश में अगर देखें तो तीनों स्ट्रीम में टॉप करने का अगर देखें तो आर्ट्स में ऊना से एक छात्रा है अस्मिता शर्मा, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना, उसने टॉप किया है आर्ट्स में। यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम को देखें तो कॉमर्स स्ट्रीम में कैरियर एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन, इसकी बच्ची है प्रीति विरसांता, सिरमौर से है, उसने टॉप किया है। और यदि साइंस में देखें आप, साइंस स्ट्रीम में तो कुल्लू से एक बच्चा है, छात्र है अनिल कुमार, साइंस स्टार स्कूल ढालपुर, 493 अंक इसने लिया और इसने टॉप किया साइंस में। थैंक यू।